हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेयर ऑफ कास्टरबेज टॉमस हार्डी द्वारा लिखित एक बहुत ही कमाल का नॉवल, जिसके चैप्टर 10 तक हम पढ़ चुके थे। 45 चैप्टर्स इसमें टोटल हैं। चैप्टर 10 तक हमने देख लिया था कि एलिजाबेथ जैन है, उसको जो सुसैन है वो एक लेटर दे के भेजती है कि हेंचार्ड को एक लेटर दे, और ये बताती है कि जो सुसैन है वो उसकी रिलेटिव है और वो उससे आके मिले, वो कास्टरब्रिज में है। तो चैप्टर 11 में शुरू करते हैं, क्योंकि जो हेंचार्ड हैं वो अब मेयर हैं, तो वो डायरेक्टली जाके सुसैन से एज ए वाइफ मिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक इमेज है और लोगों से उन्होंने ये छुपा कर रखा है कि वो शादीशुदा हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया था। तो चैप्टर 11 से शुरू करते हैं। हेंचार्ड्स डिज़ायर फॉर ए रीयूनियन विद हिज वाइफ। हेंचार्ड एंड सुसैन मीट, जो उस लेटर में जो स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन था टाइम डेट के साथ में, वहाँ पे हेंचार्ड और सुसैन उस दिन मिलते हैं। हेंचार्ड प्रपोजेज दैट शी शुड टेक ए कॉटेज इन द टाउन एंड बिगिन लिविंग देयर अंडर द नेम ऑफ ए विडो। और हेंचार्ड वो प्रपोज करते हैं कि एक कोई रेंट पे कोई कॉटेज ले लें वो, जहाँ पर वो एक विडो के रूप में रहना फ़िलहाल के लिए शुरू कर दे, मिसेस न्यूसन बनके। जो नाविक था उसका नाम न्यूसन था, वो एक वोयाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसकी विडो के रूप में वहाँ पे रहना शुरू कर दे। ही विल देन स्टार्ट विजिटिंग सुसैन एंड कॉर्टिंग हर। फिर मैं आपको विजिट करना शुरू कर दूँगा यहाँ पर, और सुसैन को, और आपको कॉर्ट मतलब कि पसंद करने लग जाऊंगा, और फिर हम वापस शादी कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम ही विल मैरी सुसैन एंड दे विल अगेन बी एबल टू लिव टुगेदर द लाइफ ऑफ रेस्पेक्टेबल पीपल। कुछ समय पश्चात दोनों शादी कर लेंगे और फिर रेस्पेक्टेबल पीपल्स की तरह वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। दस ही विल बी रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ एंड हिज डॉटर। इस तरीके से अपनी पत्नी और डॉटर के साथ में वो रीयूनाइट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम, इसी समय, द होल स्टोरी ऑफ द सेल ऑफ सुसैन एंड हर सेपरेशन फ्रॉम हेंचार्ड विल रिमेन ए सीक्रेट फ्रॉम एवरीबॉडी। हेंचार्ड और सुसैन की जो स्टोरी है कि किस तरीके से पत्नी एक मेले में बेची गई, उसकी बिक्री हुई, वो पूरा का पूरा एक सीक्रेट बना रहेगा। हेंचार्ड इज पर्टिकुलरली एंग्जियस दैट एलिजाबेथ जैन शुड नॉट लर्न द एम्ब्रेसिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। वो इस बारे में भी चिंतित है कि एलिजाबेथ जैन है, उसको एम्ब्रेस, वो इस तरीके से भी है कि उसको पास्ट की चीज़ों का एलिजाबेथ जैन को सुसैन ने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। इसी के साथ चैप्टर 11 है वो समाप्त होता है। चैप्टर 12 में ए कॉम्प्लिकेशन इन हेंचार्ड्स लाइफ। हेंचार्ड की लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कैसे आता है। हेंचार्ड नाउ बिकम्स वेरी इंटीमेट विद हिज कॉर्न मैनेजर फारफ्रे। फारफ्रे जो इनके कॉर्न मैनेजर हैं, उनके साथ ये बहुत अब इंटीमेट हो जाते हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें हैं वो उनसे शेयर करने लग जाते हैं। ही हैज़ डेवलप्ड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर द स्कॉचमैन। स्कॉचमैन इनको काफ़ी पसंद भी आ जाता है, एज ए फ्रेंड वो उसको ट्रीट करते हैं। बिकम्स सो अटैच्ड टू फारफ्रे दैट वन डे ही रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ टू हिम। इतना वो अटैच्ड हो जाता है फारफ्रे से कि एक दिन वो अपने जीवन का जो सीक्रेट था वो उससे शेयर कर देता है। देर इज़ नाउ ए कॉम्प्लिकेशन इन हिज लाइफ। अब उसके जीवन में एक कॉम्प्लिकेशन आ गया है, और कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ही हैड प्रोमिस्ड टू मैरी ए यंग वुमेन लिविंग एट न्यू जर्सी, बिकॉज ही हैड नेवर थॉट दैट हिज फर्स्ट वाइफ वुड एवर कम बैक टू हिम। क्योंकि 18 साल बीत चुके हैं, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ इतने सालों बाद वापस आ जाएगी, और इस गैप में उसने न्यू जर्सी की एक कोई औरत है उससे शादी का प्रपोजल रखा था, उससे शादी करने का वादा किया था। नाउ एज सुसैन हैज़ कम बैक, और अब इस समय के हालात देखे जाएं तो सुसैन है वो वापस आ चुकी है, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी। हिज फर्स्ट ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स सुसैन। इसकी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो सुसैन के प्रति है। विद द हेल्प ऑफ फारफ्रे हेंचार्ड राइट्स ए लेटर टू रिग्रेट टू द न्यू जर्सी वुमेन। फारफ्रे के हेल्प से ये न्यू जर्सी की जो वुमेन है उसको एक लेटर लिखते हैं। इन दिस लेटर हेंचार्ड एक्सप्लेन्स द चेंज इन हिज सरकमस्टांसिस। इस लेटर में है वो चेंज ऑफ सरकमस्टांसिस का हवाला देते हुए बताते हैं कि परिस्थितियाँ कैसे चेंज हो गई हैं,
और वो उनसे शादी अब क्यों नहीं कर सकते। ही ऑल्सो सेंड्स ए चेक टू दिस वुमेन टू कॉम्पनसेट हर विद मनी फॉर हिज लाइबिलिटी टू कीप हिज प्रोमिस टू मैरी हर। वो उसके कंपनसेट के रूप में कुछ राशि भी भेजते हैं क्योंकि उसकी लाइबिलिटी तो थी शादी करने की, लेकिन वो परिस्थितियों के चलते नहीं कर पा रहे हैं, तो मैटर को कंपनसेट करने के लिए वो लिफाफे के साथ मनी भी भेजते हैं। और ये इस लेटर को लिखने में इनकी हेल्प की है जो इनका कॉर्न मैनेजर है फारफरे, उसने। तो थोड़ी सी इनकी लाइफ है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाती है चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 में देखते हैं सुसैन लिविंग एज ए विडो इन कास्टर ब्रिज। सुसैन है वो कास्टर ब्रिज में एक विडो के रूप में रह रही हैं, मिसेज न्यूसन के रूप में। हैंचार्ड नाउ हायर्स ए कॉटेज इन कास्टर ब्रिज फॉर हिज वाइफ सुसैन हु बिगिंस टू लिव देयर अंडर द नेम ऑफ मिसेज न्यूसन ए विडो। हैंचार्ड हैं वो एक कॉटेज हायर करते हैं मिसेज न्यूसन, मतलब जो इनकी पत्नी है वो मिसेज न्यूसन के रूप में उसको वहाँ पे ठहराते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्लान फॉर्म्ड बाय हैंचार्ड एंड सुसैन, हैंचार्ड और सुसैन ने जो प्लान किया था उसके मुताबिक वो मिसेज न्यूसन बनके टाउन में अब किराए से रहने लग जाती है। हैंचार्ड स्टार्ट्स विजिटिंग हर एट हिज कॉटेज एट दिस कॉटेज। हैंचार्ड हैं वो शुरू कर देते हैं इस कॉटेज में विजिट करना। आफ्टर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद में थोड़े से समय के पश्चात हैंचार्ड प्रपोजेज मैरिज टू सुसैन। हैंचार्ड हैं वो शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं सुसैन के सामने। ही हैज़ थ्री मोटिव्स इन री मैरिंग द वाइफ फ्रॉम ही हैड बीन सेपरेटेड फॉर 18 ईयर्स। तीन इनके मोटिव्स होते हैं री मैरिंग के, दोबारा शादी करने के। हैंचार्ड के पास में तीन मोटिव होते हैं। वन मोटिव इज़ टू मेक अमेंड्स टू हिज वाइफ whom he had treated so badly in selling her। पहला जो मोटिव है वो ये है कि अपने बर्ताव में सुधार लेना, सुधार लाना कि कितना बुरा बर्ताव इन्होंने किया था कि अपनी वाइफ को ही बेच दिया था। सेकेंड मोटिव इज़ टू प्रोवाइड ए कम्फर्टेबल होम फॉर हिज डॉटर एलिजाबेथ जैन। सेकेंड जो मोटिव है वो एलिजाबेथ जैन को एक कम्फर्टेबल शेल्टर प्रदान करना है, कम्फर्टेबल जहाँ से वो रह सके ईजीली अंडर हिज पैटर्नल सुपरविजन। पिता की जो भूमिका है वो अब वो अदा करना चाहते हैं। द थर्ड मोटिव इज़ टू पनिश हिमसेल्फ फॉर हिज पास्ट मिसकंडक्ट टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड डॉटर। और तीसरा इनका जो मोटिव है वो ये है कि वो अपने आप को पनिश करना चाहते हैं जो मिसकंडक्ट बुरा व्यवहार इन्होंने किया था अपनी पत्नी और पुत्री के प्रति, इनका जो बुरा बर्ताव था उसके लिए अपने आप को दोषी मानते हैं और उसके लिए ये पनिश करते हैं। इस तरीके से ये तीन मोटिव हैं वो आपको याद रखने हैं कि कौन से तीन मोटिव थे जिस वजह से हैंचार्ड हैं वो सुसैन से रीमैरी करते हैं। द मैरिज और रीमैरिज ऑफ हैंचार्ड एंड सुसैन ऑन ए डे इन नवंबर, नवंबर के दिन में हैंचार्ड एंड सुसैन अराइव एट ए चर्च। हैंचार्ड और सुसैन हैं वो एक चर्च में पहुँचते हैं। द स्कॉचमैन फारफरे इज ऑल्सो प्रेजेंट एज ए विटनेस टू द सेरेमनी ऑफ मैरिज। स्कॉचमैन फारफरे है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं शादी के विटनेस के रूप में। एज वी नो हैंचार्ड हैड टेकन फारफरे इन टू हिज कॉन्फिडेंस अबाउट द सीक्रेट ऑफ हिज पास्ट लाइफ। जैसा कि हमें मालूम है कि हैंचार्ड ने कॉन्फिडेंस में लिया है फारफरे को पास्ट लाइफ के बारे में बताकर। अदरवाइज ऑल्सो देर इज़ ए गुड डील ऑफ इंटीमेसी बिटवीन हैंचार्ड एंड फारफरे, और फारफरे और हैंचार्ड के बीच में अच्छी इंटीमेसी है, इसलिए उसने बता दिया है अपने जीवन के बारे में। हैंचार्ड सेज टू सुसैन विद रेफरेंस टू फारफरे। हैंचार्ड हैं वो सुसैन को फारफरे से ये कहते हुए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आई हैव ए स्प्लेंडेड फेलो टू सुप्रीटेंड माई बिजनेस नाउ। मेरे पास में एक शानदार फेलो है, शानदार साथी है जो मेरे बिजनेस को सुप्रीटेंड करता है, निरीक्षण करता है। आई शैल सून बी एबल टू लीव एवरीथिंग टू हिम। और बिजनेस से रिलेटेड प्रत्येक चीज़ मैं अब जल्दी ही सब कुछ इसको समर्पित करने वाला हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के इन तीन चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरीके से सुसैन को एक विडो के रूप में कास्टर ब्रिज में ये ठहराते हैं, कैसे न्यू जर्सी की वुमेन कोई एक लेटर लिख के जो अपने शादी का प्रॉमिस किया था उसको समझौते के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने पास्ट के जो जीवन है उसके बारे में फारफरे को बता दिया है कि किस तरीके से उसने अपनी पत्नी को बेचा था, अपनी पुत्री को वो लेकर चली गई थी। पांच गिन्नीज में एक सेलर न्यूशन है उसको बेच दिया था एक मेले में। फर्मिटी
रम वगैरह पीकर नशे में धुत होकर किस तरीके से बेच दिया था, और किस तरीके से अब इनकी वापस शादी होती है, कौन से ये तीन मोटिव थे जिसके कारण फारफरे हैं वो हैंचार्ड हैं वो सुसैन से शादी करते हैं, और एलिजाबेथ जैन है उसको अब तक पता ही नहीं है कि वो हैंचार्ड की पुत्री हैं। तो चीज़ें इस तरीके से इस इन तीन चैप्टर्स में काफ़ी कुछ बदलती हुई सी प्रतीत होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम चैप्टर 14 से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।